कश्मीर पर एक तरफ जहां पाकिस्तान के नेता छाती पीट रहे, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर प्रोपेगेंडा फैलाने में भी लगे हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर पर मोदी शाह और डोवल की नीति से हैरान परेशान है। इनके सामने उसके सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं और अब उसे नेहरू की याद आने लगी है। कश्मीर पर एमएसडी प्लान से पाकिस्तान को डर लगता है। हार से बौखलाए पाकिस्तान को अब नेहरू का सहारा। पाकिस्तान को उमर अब्दुल्ला ओवैसी अच्छे लगते हैं। जम्मू कश्मीर पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में आतंकिस्तान की साजिश का भंडाफोड़ किया है, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में अमन और शांति के लिए काम कर रहे हैं, और जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल कश्मीर में 10 दिनों से कैंप कर वहाँ के लोगों के बीच सरकार के प्रति भरोसा जगा रहे हैं, उससे पाकिस्तान खौफ में है। कश्मीर पर भारत के एमएसडी प्लान यंग, मोदी, शाह और डोवल की रणनीति से बैकफुट पर आए पाकिस्तान को अब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू याद आने लगे। और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। और दोनों में जमीन और आसमान का दिन और रात का फर्क है। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह यह तस्वीरें भी हैं। अब तक पाकिस्तान कश्मीर को आतंकवाद से जला रहा था, लेकिन अब वहां अमन और चैन है। वहीं कश्मीर के आज के हालात के लिए जिस तरह से एनएसए अजीत डोवाल ने काम किया, जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों के बीच गए, उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिलों में ये डर बैठ गया है कि कहीं उन्हें कश्मीर मुद्दे पर करारी शिकस्त ना झेलनी पड़े। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब भारत की नीति डोभाल सिद्धांत के इर्द गिर्द घूम रही है। और जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डोवाल डॉक्ट्रिन कहते हैं, और उसकी गिर्द घूम रही है। और उसमें कई किरदार हैं, लेकिन उसके तीन नुमाया किरदार जो हैं वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है डोवाल। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति भारी पड़ रही है, लेकिन अपने ही देश के नेताओं की देश विरोधी बोल और कामों से उसे बल मिल रहा है। कश्मीर पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम लिया। 200 के करीब नामवर लोगों ने एक पटिशन दाखिल की है, जिस पर उन्होंने कहा है कि इसको अंडू किया जाए, जिसमें इफेक्टेड पार्टीज जो हैं ए अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप ने सुप्रीम कोर्ट पे पटिशन दाखिल की है अंडू करने के लिए। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा की कोशिश में पाकिस्तान ने एक और कदम उठाया है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो दूतावासों में कश्मीर सेल और डेस्क खोलेगा। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर क्लोज डोर मीटिंग में मनचाहा परिणाम नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान ने अब ये नया कदम उठाया है। मैंने फैसला किया है कि इस एफर्ट को तकवीयत देने के लिए फॉरेन ऑफिस में हम एक कश्मीर सेल तश्कील दे रहे हैं। मैनपावर बढ़ानी होगी, एफर्ट बढ़ाना होगा, और एक फोकस्ड अप्रोच हमें लेकर आगे बढ़नी होगी। अपनी एम्बेसीज के अंदर हम एक कश्मीर डेस्क तश्कील देंगे, ताकि ये जो हमारा एफर्ट है, हर एम्बेसी में हमारा एक फोकल पर्सन मौजूद हो। जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से बनाई गई कश्मीर कमेटी की शनिवार को पहली बैठक हुई। बैठक में कश्मीर मसले को ICJ में भी ले जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई, मतलब संयुक्त राष्ट्र में बेइज्जती के बाद
आईसीजे में बेइज्जती करवाने को भी पाकिस्तान आतुर है। आईसीजे का जो एक फोरम है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ कि वह हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जा सकते हैं तो किस अंदाज में जा सकते हैं, उसको अप्रोच करने का मुनासिब फोरम क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल होगा, जनरल असेंबली का इजलास होगा, क्या उनसे एडवाइजरी ओपिनियन ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती। मैं अर्ज कर रहा हूँ इनकी डिस्कशंस हुई हैं और लॉ मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल साहब हमें अपना लीगल इनपुट देंगे। ये पहली नशिस्त थी, इस पहली नशिस्त में हमने सब चीज़ों को टेबल किया है। अमेरिका, रूस समेत संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों से नसीहत मिलने के बावजूद पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई है। मतलब सही ही कहा जाता है, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।